फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोर्ब इंजीनियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक टॉपिक और मैं इसके बाद स्टीयरिंग पे बनाऊंगा, उसके बाद हमारा स्टीयरिंग के सारे टॉपिक्स को एक्चुअली मैंने कवर कर दिया जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दैट इज ओवर स्टीयर एंड अंडर स्टीयर। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने काफी सारे आपको स्टीयरिंग सिस्टम बता दिए, और ये हमारा जो स्टीयरिंग सिस्टम है, लास्ट स्टीयरिंग सिस्टम है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ये काम कैसे करता है, फिर थोड़ी सर्किट्स के बारे में देखते हैं। तो ये जो स्टीयरिंग सिस्टम है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इससे पहले जो स्टीयरिंग सिस्टम जो हमने बनाया था, क्या उससे काम नहीं हो रहा था? जी, काम हो रहा था। काम तो हमारा इससे पहले जो रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग है, रैक एंड पिनियन डायरेक्ट कनेक्ट करने, उससे भी हो रहा था। बट बात आती है एफर्ट की, और हम हैं इंसान, हमें जाहिर सी बात है, हम तो चाहेंगे कम से कम एनर्जी वेस्ट हो हमारा और हमारा काम ज्यादा हो जाए। हम तो चाहेंगे कि कम से कम इफर्ट में हमारा वर्क ज्यादा होना चाहिए। एक तो केस है कि भाई हम आलसी है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस है भाई सामने वाला इतना स्ट्रांग है, आप इतनी सी पावर से आप उसको हिला भी नहीं सकते हो, बट आप हिलाना है तो क्या करें, थोड़ा इंजीनियरिंग दिमाग लगाएं। हमने इसको डेवलप किया, इससे पहले हमने डेवलप किया था क्या, हाइड्रोलिक पावर या हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम और पावर स्टीयरिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। हमने कम से कम एफर्ट हम लगाया और बाकी पूरा काम हमारा फ्लूइड कर रहा था, पूरा ट्रांसमिट जितना पावर देना था फ्लूइड दे रहा था, हम बस थोड़ा सा अपना हेल्प किए। सेम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम में। अब इसमें क्या, इसको बनाने का काम ये रहा। अब देखिए, जैसे इंजन बंद है, उस टाइम पे आपका इंजन अगर बंद, क्योंकि पंप तो हमारा इंजन पे ही काम कर रहा था ना, तो इंजन जब बंद है तब आप स्टीयरिंग घुमाओगे, पहली बात तो घूमेगा ही नहीं, और अगर घूम भी रहा तो आपका जो व्हील है वो नहीं टर्न हो रहा है। तो जब तक इंजन नहीं स्टार्ट है, जब तक आपका पंप स्टार्ट नहीं है, आप गाड़ी को किसी टर्न राइट लेफ्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। गाड़ी खराब हो गई और गलती से व्हील अगर ऐसा मुड़ा हुआ है, तो फिर आप उसको सीधे या तो हाथ से घिंच घिंच कर करो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम है, पहली बात ये इंजन से कनेक्ट नहीं होता है। इंजन बंद होगा फिर भी ये काम करेगा। ठीक, कुछ एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेजेस ये है कि ये इंजन से कनेक्ट नहीं है, नॉट कनेक्टेड, इंजन से कनेक्ट नहीं। दूसरा, ये तभी काम करता है जब आप स्टीयरिंग को टर्न करते हो, स्टीयरिंग को टर्न करते हो, ये तभी काम करता है। मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या बोल सकते हैं इसको, सेव कर रहा है, एनर्जी सेव हो रहा है। ठीक है, और तीसरा कि बहुत यही तीसरा ये लीजिए, कम से कम एफर्ट में हम ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकें। ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारा इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम का। अब हम देखते हैं काम कैसे करता है। देखो, यहां भी हमने रैक एंड पिनियन, ये हमारा है गियर बॉक्स। ठीक, इस गियर बॉक्स के अंदर कौन सा मैकेनिज्म है, इस गियर बॉक्स के अंदर कौन सा मैकेनिज्म है, दैट इज रैक एंड पिनियन, पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये गियर बॉक्स से हमारा ये है टाई रॉड, ये हमारा व्हील। तो इसका मैकेनिज्म तो आपको मैंने कितने बार बता दिया है। क्या होता है कि जब आपके ये जो शाफ्ट आ रहा है, ये पिनियन है, ये पिनियन जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा फिर रैक इधर की ओर मूव करेगा, पिनियन जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो रैक आपका इधर की ओर मूव करेगा, और रैक जो है, ये हमारा रैक है, ये हमारा पिनियन है, रैक के इधर और इधर मूव होने से हमारा व्हील भी इधर, व्हील का भी डायरेक्शन ऐसे और ऐसे होगा, व्हील का भी डायरेक्शन ऐसे और ऐसे होगा, व्हील का भी डायरेक्शन ऐसे और ऐसे होगा, इसके इधर और उधर मूव होने से। ठीक है, चलिए, तो आप देखोगे ध्यान से कि ये एक ही शाफ्ट में ऐसा कनेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि हमको कम से कम एफर्ट में ज्यादा पावर ट्रांसमिट हो, ज्यादा टर्न ले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो इससे कनेक्ट है, तो पिनियन तो रोटेट हो रहा है,
ठीक है, बट क्या है कि हमारी बहुत हैवी व्हीकल है, हम जितना लो फोर्स लगा रहे हैं उतने फोर्स से हमारा काम नहीं हो रहा है। मतलब ये सिस्टम आप कब यूज करोगे, जब फोर्स आप 10 न्यूटन से ज्यादा यूज कर रहे हो, 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है व्हील को टर्न करने में, तब आप ये सिस्टम को यूज कर लो। पावर स्टीयरिंग भी चीज होता है, ठीक है, ये हो गया। तो हल्का सा टर्न करोगे आप, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना ये एक्टिव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के एक्टिव होने से ये जो मोटर है आधा काम, मतलब आप 25% आपको बस यहाँ पे अपना फोर्स लगाना है किसी डायरेक्शन में जिधर आप उसको टर्न करना चाहते हो उस डायरेक्शन में, बाकी का पूरा काम ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ये जो मोटर है वो कर देगा, ठीक है। बाकी का 75% आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो काम कर देगा। कैसे काम करता है आगे देखते हैं। देखो ये हमारा मेन स्टीयरिंग सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम से जस्ट हमारा कनेक्ट रहता है टॉर्क सेंसर, और ये बॉक्स को बोल सकते हैं ईसीयू, नॉट अ ईसीयू, इट्स अ टॉर्क सेंसर, टॉर्क सेंसर। और ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक रिहोस्ट लगा होता है, आप बचपन में 11 12th में आप रिहोस्ट नाम का एक चीज पढ़े होंगे। क्या होता था रिहोस्ट का, इस तरीके कुछ दिखता था और उस पर ऐसा पिन था, पिन को आप यहाँ पे टच करते थे तो अलग वोल्टेज मिलता था, पिन को फिर आप रिसीट के यहाँ टच करते थे तो अलग वोल्टेज मिलता था, यहाँ टच करते थे तो अलग वोल्टेज मिलता था, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए होता है। जैसे जैसे लेंथ चेंज करते कर रहे हो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रही है, तो सेम हीट काम कर रहा है। जब आप इसको टर्न करते हो तो टॉर्क सेंसर सेंस करता है कि किस टॉर्क से आप टर्न कर रहे हो, कितना टर्न कर रहे हो, तो ये डाटा क्या करता है, ये कंट्रोलर या ईसीयू को भेजता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस टर्न करता है कि आप किस ओर टर्न कर रहे हैं, तो उस जितना आप टर्न किए उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग इसको वोल्टेज और करेंट मिल रहा है। तो जितना करंट और वोल्टेज मिल रहा है तो किस डायरेक्शन में टर्न किया तो वो करंट का डायरेक्शन भी हमारे मोटर को मिलेगा, ठीक है। ये कंट्रोलर क्या करेगा, ईसीयू ये जो इधर से जो इनपुट आ रहा है इस इनपुट को सेंस करेगा कि भाई कितना टॉर्क लग रहा है, कितनी वोल्टेज यहां से आ रही है इस रिहोस्टेट से, कितनी करंट आ रही है, किस डायरेक्शन में करंट आ रही है, वो मोटर को ट्रांसफर कर देगा। ECU क्या करेगा, मोटर को ट्रांसफर कर देगा, उतना ही वोल्टेज देगा, जितना करंट जितना आपने टर्न लिया उसी के हिसाब से इसको करंट भी सप्लाई करेगा, और उसी के करंट का डायरेक्शन भी डिपेंड होगा। अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो करंट भी मोटर में क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमने से आपका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, तो किस स्पीड से आप टर्न किए हो उसके अकॉर्डिंग क्या उस स्पीड को वो करंट में ट्रांसफर कर दिया, वोल्टेज में ट्रांसफर कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 2 RPM से टर्न कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 RPM से इन द सेंस ऑफ करंट, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना, 2 RPM से करंट ये इसको भेजेगा, तो बाकी का काम क्या करेगा, हमारा ये मोटर कर देगा। मोटर मोटर है, मोटर चलेगा, तो मोटर ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको ये शाफ्ट क्या होगा, ये शाफ्ट भी रोटेट होगा, ये आपका क्या है, वार्म गियर, वार्म गियर, तो वार्म गियर रोटेट होगा, तो ये पिनियन रोटेट होगा, पिनियन रोटेट होने से हमारा ये रैक इधर और उधर मूव करेगा। तो ये थी वर्किंग इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम की, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीयरिंग का लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज अंडरस्टीयर एंड ओवरस्टीयर। थैंक यू।